अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूं। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूं कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से या भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इस भाषण में पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गाँव में उनके लिए पक्की सड़कें जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योगों के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। आज जहाँ देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहाँ एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके, उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूँकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला ना भी करे, किंतु वहां से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेपाल के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में, मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर हमला किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है।